उस संकल्प को पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा, और जातीय उन्माद को खत्म करना और जड़ से भ्रष्टाचार को मिटा देना मेरे जिंदगी का पहला कर्तव्य होगा। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है जी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया में पप्पू यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया है। पूर्णिया की राजनीति काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है, और आज पप्पू यादव ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो यहां की राजनीति और ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने किया है। आज नॉमिनेशन के अंतिम दिन में पप्पू यादव, उनके समर्थक सुबह से ही पूर्णिया के पूरे अलग अलग जगहों से आकर पप्पू यादव को अपना समर्थन दे रहे थे। कल ही महागठबंधन के तरफ से राजद की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन दाखिल किया। खुद तेजस्वी यादव उनके नामांकन में पहुंचे हुए थे। देखिए, पप्पू यादव अकेले ही नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन पूरी पूर्णिया उनके साथ है। जब हमने सवाल किया कि पप्पू यादव के समर्थन में चूँकि कांग्रेस में है तो क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, कांग्रेस के कौन शीर्ष नेता होंगे जो पप्पू यादव के प्रचार प्रसार में पूर्णिया की धरती पर आएंगे। राहुल गांधी पहले ही यहां से जा चुके हैं, लेकिन उनके हाथ खाली लग गए। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को ये सीट नहीं दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव के प्रचार प्रसार करने क्या पूर्णिया की धरती पर राहुल गांधी पहुँचेंगे। चलिए सीधे पप्पू यादव से पूछते हैं, जब नामांकन दाखिल करके बाहर निकले हैं तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। दिया गरीबों ने उस संकल्प को पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा, और जातीय उन्माद को खत्म करना और जड़ से भ्रष्टाचार को मिटा देना मेरे जिंदगी का पहला कर्तव्य होगा। निर्दलीय नॉमिनेशन कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है जी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी। जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी। और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई, मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में आएंगे सर आपके? भैया, मैं जानता हूं बिहार को नंबर वन कांग्रेस के संकल्प के साथ बढ़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य है सीमांचल और कोसी की आजादी और बिहार के हर परिवार की सेवा। मैं मरते दम तक जिस तरह 10,000 रोजगार की बात मैंने की है, उसी तरह बिहार के गरीबों के आंसू मेरे जिंदगी का हिस्सा होगा, और जातीय उन्माद और भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प। मुझको किसी से मतलब नहीं है, मुझे राहुल गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त पप्पू बाबू का भी आशीर्वाद प्राप्त। पप्पू यादव थे और इन्होंने निर्दलीय नामांकन अपना कर दिया है। नामांकन करने बताइए ना राज। अरे माइक यहाँ तो आवाज कहाँ सुनाई देगा, इधर आओ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।